उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आज अल्मोड़ा का दौरा किया। उन्होंने कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में अपराधों की समीक्षा करते हुए संबंधित पुलिस कप्तानों को आवश्यक निर्देश दिए। डीजीपी ने अल्मोड़ा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। अपने दौरे के दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड पुलिस गंभीर अपराध करने वाले बाहरी राज्यों के अपराधियों के प्रति मित्र पुलिस की भूमिका का रोल किसी भी हालत में नहीं निभाएगी और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डीजीपी ने स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि पुलिस महिला अपराध, नशे का व्यापार और यातायात सुधार पर सक्रियता से काम कर रही है। नशे का बड़ा कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि युवाओं को सुधारने के लिए रिहैब सेंटर भेजा जाएगा। आज अल्मोड़ा में अल्मोड़ा और बागेश्वर जनपद की अपराध की स्थिति की समीक्षा की और वहाँ के दोनों जनपदों के जो पुलिस कर्मचारी थे उनके साथ एक सम्मेलन भी किया, जहाँ उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और कुछ इंडिविजुअल जो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी तो उनका शीघ्र निस्तारण करने का भी उनको आश्वासन दिया। साथ ही साथ पुलिस लाइन अल्मोड़ा का भी भ्रमण किया। वहाँ जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो निर्माणाधीन है, जो भवन निर्माणाधीन है, उनका भी मैंने निरीक्षण किया और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 2 महीने में अल्मोड़ा पुलिस लाइन में नए प्रशासनिक भवन और कुछ अन्य सुविधाओं का हम लोग लोकार्पण भी करवाएंगे। इसके साथ साथ उसके बाद यहाँ नागरिकों से संवाद हुआ है विवेकानंद संस्थान में और उस संवाद में जो 3-4 मुख्य मुद्दे आए, ट्रैफिक की समस्या पर चर्चा हुई, ड्रग्स की समस्या पर चर्चा हुई, महिला संबंधी अपराधों के बारे में चर्चा हुई और यहाँ जो एक्स पैरामिलिट्री और एक्स सर्विसमैन रहते हैं उनकी समस्याओं के बारे में भी चर्चा हुई। तो इन चारों विषयों पे जो मेरे जनता के जो हमें सुझाव प्राप्त हुए थे उनको नोट किया गया मेरे द्वारा और इन पे जो हम लोग जो अभी कुछ विषयों पे हम ऑलरेडी हमारे यहाँ काम चल रहा है पुलिस मुख्यालय पे, उन पे मंथन चल रहा है और उसमें प्रस्ताव बनाने की कार्रवाई चल रही है और इन सभी विषयों पर आपको हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 6 महीने में आप धरातल पर सार्थक परिणाम देखें।